मेरे से बात नहीं हुआ है बस। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार होते ही इस वक्त कारकुन रो रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, खवातीन यहाँ पर जारो कतार रो रही हैं, ये आप देख सकते हैं। आज मेरा दिल घबरा रहा था, मैं 3 बार हाई कोर्ट आई, मुझे रास्ता नहीं मिला। मेरा दिल कह रहा था कि ये मेरे कायद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं इन्हें बताना चाहती हूँ, हमने मारे खाई अपने कायद के लिए। मैं खातून थी, मैं खातूनों के साथ निडियाला जेल रही, इस कायद के लिए रही, इस कौम के लिए रही। याद रखना कि माओ बहनों के आंसू तुम्हें खा जाएंगे। 75 साल का राज खत्म होने का टाइम आ चुका है। इंशाल्लाह मेरे कायद के लिए ये लोग निकलेंगे। इस पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है जिसका आप लोग कहते हैं ला इला मतलब है। अगर यही मतलब होता आज हम इलेक्शन मांग रहे थे। ये कौम रो रो के इलेक्शन मांग रही थी। यहाँ पे बच्चे यतीम हो रहे थे आटे के लिए। मगर मेरे काज को पकड़ने वालों याद रखो कि आप लोगों का वक्त और खात्मे का वक्त हो चुका है। इंशाल्लाह आपका खात्मा होगा। आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर। मेरे से बात नहीं हुआ है बस, अब जाओ भाई। मेरे से बात नहीं हुआ है बस, छोड़ो। मेरे दिल को रो नहीं देता है मेरे को। मैं जब गिरफ्तार हो गया ये वापस नहीं आता है जेल से। अच्छा मैं आपको, मेरे से बात नहीं हुआ है भाई जान, बात नहीं हुआ है मेरे से, नहीं हुआ है मेरे दिल के वारा नहीं करता। मेरे दिल जब गवारा नहीं करता है बातों का, हम बस कुछ नहीं कर सकते बस। एक दफा जब चला गया तो फिर वापस बाहर नहीं आता है इसको। ये सारा पाकिस्तान के दिल पे रखा है। आज ही इस वक्त आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर देख सकते हैं, जहां पर बख्तर बंद गाड़ियां पहुंचा दी गई हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद के सूरत हाल आप देख सकते हैं। जो कारकुन हैं, जो इस वक्त रहनुमा है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये दरख्वास्त कर रही हूँ, ये मैं अपने महबूब लीडर जिसके ऊपर जुल्म की इंतहा किया गया है, पाकिस्तान के आवाम को कुचल दिया गया है। खुदा रा बाहर निकले, अपने अपने मोहल्ले में निकले, हर डिस्ट्रिक्ट में निकले, पूरे आवाम से मेरी दरख्वास्त है। खान ने हमारे लिए जंग लड़ रही थी, अभी आप लोगों को आजमाने का वक्त आ गया है। खुदा रा आप लोग बाहर निकले, हम सब खान है। एक इमरान खान को अरेस्ट नहीं करे, हम पूरे पाकिस्तान जेल जाने के लिए तैयार है। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान, हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ अल्लाह की मदद है, आवाम की दुआ है। ये लोग कब तक, पिछले 1 साल से खान साहब ने जितने मुकदमों का मुकाबला किया और हर वक्त हर टाइम आवाम उसके साथ है। अब हर घर से इमरान निकलेगा, अब किस किस को आप लोग गिरफ्तार करेंगे? खान साहब हेलीकॉप्टर में ले गए हैं। खान साहब और भी मजबूर हो गया है। खान साहब हमारे लिए जेल गया है। खान साहब हमारी जंग लड़ रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं एक सेनेटर हूँ, मैं खान के सिपाही हूँ, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मेरे आवाम, हम जान देंगे, हम खान को वापस लेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे। जिसने भी ये किया है, जिसने भी ये किया है हमारे आवाम के साथ, ये खान के साथ नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान के साथ हुआ है। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के साथ हुआ है, आलम इस्लाम के साथ हुआ है। वो आलम इस्लाम का एक अजीम लीडर है। लीडर पैदा करने में टाइम लगता है। जब मीडिया वालों, आप लोगों के साथ फिर खिलवाड़ हुआ, इदारों के साथ खिलवाड़ हुआ, अब खान के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ है। आप लोग होश का नाखून ले, आप लोग जागे, आवाम तो जागे हुए हैं। मेरी ये बेइज्जत को पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में फैलाए। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। साबिक वजीर आजम इमरान खान, या क्या आज ही इस वक्त आप देख सकते हैं, जज्बा, खवातीन रो रही हैं यहाँ पर।
और बख्तरबंद गाड़ियां यहां पर पहुंचा दी गई हैं। इस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके यहां से ले जाया जा चुका है, ये आप देख सकते हैं जी। इस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद यहां पर पीटीआई के रहनुमा मौजूद हैं, जारो कतार रो रहे हैं और एमपीएक्स एमपीए भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या इस वक्त जज्बात है, क्या कहना चाहेंगे? एक बात याद रखिएगा, इमरान खान को गिरफ्तार करना इनकी सबसे बड़ी गलती है जी। इस वक्त आप देख सकते हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इस वक्त हो रही है, सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, खवातीन यहाँ पर रो रही हैं जी। क्या कहना चाहेंगी ये खवातीन इस वक्त आप रो रही हैं, ये आप देख सकते हैं जी, क्या कहना चाहेंगी? इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटा मेरे पास तो नहीं है अल्फाज के, मैं कुछ कह सकूँ कि उसको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी दुआएं, हमारे सब मेहनत है, इन लोगों ने गारत कर दी। मैं लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि खुदा के वास्ते अब तो घरों से निकले, अब बैठने का वक्त नहीं है। ये जो इंतजार चाहते थे वो इन्होंने बचा लिया, इन्होंने कर लिया जी। आप देख सकते हैं पुलिस इस वक्त अलर्ट हो चुकी है और बाकायदा तौर पर अब एक्टिविटीज़ तेज़ हो चुकी हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। ये मनाजिर आप देख सकते हैं अदालत के बाहर के, जहां पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, हर तरफ हलचल मची हुई है। जेल काट के आई हूँ, ये आंसू इसलिए है कि जो आज़ादी हमें कायदे आज़म ने